क्या आपको करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटर्नशिप, तो ये वीडियो यार तुम्हारे बहुत हेल्प करने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसे इंटर्नशिप कर सकते हो। इस इंटर्नशिप का नाम है नीति आयोग इंटर्नशिप। ये कैसे अप्लाई करनी है, क्या करनी है, वो मैं पूरा तुम्हें पीछे डेस्कटॉप पर जाकर दिखा दूंगा। इसकी एलिजिबिलिटी वैलिजिबिलिटी के बारे में हम सब बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो पूरा देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम इस तरीके का कॉन्टेंट आगे भी देख सको। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और देखते हैं कि आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अगर हो तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके अपने डेस्कटॉप पे और ये आपको नीति आयोग का पोर्टल मिल जाएगा जहाँ पे आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपको तीन चार चीजें मिलेंगी, जैसे कि अप्लाई हेयर, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस और रीड मोर अबाउट नीति इंटर्नशिप स्कीम एंड गाइडलाइन। तो पहले यार हम अपनी गाइडलाइंस को गो थ्रू कर लेते हैं। तो जैसे आप वो डॉक्यूमेंट खोलेंगे, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा फटफट बता देता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये इंटर्नशिप जो है ये है अनपेड इंटर्नशिप, तो यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इंटर्नशिप का नाम क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये इंटर्नशिप आपको पूरे साल अवेलेबल कराई जाती है। आप इसके लिए साल में एक बार अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड, रिजेक्ट हो गया तो आप अगले साल फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी भी मिल जाती है कि आप एक अंडरग्रेड स्टूडेंट है, तो आपका फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो जाना चाहिए। दो तरीके से आपका फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो सकता है कि एक तो आपका रिजल्ट आ गया तो वेल एंड गुड, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपके कम से कम एग्जाम खत्म हो जाने चाहिए। और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपके 12th में 85% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, और आपके पोस्ट ग्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो आप तब भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपके मिनिमम 70% मार्क्स होना इसमें भी कंपलसरी है। और इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, अगर मान लो कि मेरे को इंटर्नशिप मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद करनी है तो मैं सिर्फ 6 महीने के विंडो में ही अप्लाई कर सकता हूँ। मान लेते हैं मेरा रिजल्ट मेरे को जून में मिलेगा और मैं को इंटर्नशिप लेट से अगले साल जनवरी में करनी है तो मैं वो नहीं कर सकता। तो मेरी डिजायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप शुड बी विद इन दैट 6 मंथ का जो पीरियड मेरे को मिला है, तभी मैं उस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होऊंगा। बात करें पीरियड की, तो ये 6 हफ्तों से लेकर 6 महीने की इंटर्नशिप है। इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है मार्केट में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ चुनिंदा बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप फ्यूचर में कोई प्राइवेट जॉब ढूंढने जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये बहुत ही कंपेटिटिव बंदा है, इसने इतनी हाई कंपटीशन वाली इंटर्नशिप क्रैक करी है, तो आपकी प्रोफाइल उसके सामने बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो आपको मिनिमम 75% की अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, आपको आपके लोकल ऑफिस में या फिर किसी IAS के अंडर आपको जाना पड़ेगा। ये ऑफलाइन इंटर्नशिप है, ये वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप नहीं है। इसमें आपको डेटा कलेक्शन, रिसर्च, एनालिटिक्स, ये सब काम करके अपने सीनियर सबॉर्डिनेट को वो डेटा देना होगा, जिसके बाद वो अपना काम कर पाएंगे। तो इस इंटर्नशिप का मेन मुद्दा यही है कि जो भी सीनियर लोग हैं, जितने भी IAS हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन लोगों का काम आपको आसान करना पड़ेगा रिसर्च करके। आपको ऑफलाइन जगह जगह भी जाना पड़ सकता है अगर आपको कहा जाए तो। आप उस जगह जाके करेंगे क्या, आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और आपको एक रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को देनी होगी। तो ये 26 डोमेन है जिधर आप अप्लाई कर सकते हो। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अनपेड इंटर्नशिप है, तो प्लीज अपने इंटरेस्ट का एरिया ही चूज करना, वरना तुम्हें बहुत एग्जॉस्टेड लगेगा। जिस डोमेन की तुम्हें नॉलेज एक्वायर करनी है सिर्फ उसी डोमेन में अप्लाई करना, तो तुम्हें एक तो इंटर्नशिप करने में मजा भी आएगा और सेकेंड तुम्हें उस डोमेन की नॉलेज मिलकर तुम्हें आगे फ्यूचर में जॉब में भी हेल्प मिलेगी। और जब आप अप्लाई कर लेंगे और अगर आपको मान लो इंटर्नशिप मिल गई, तो आपको कॉलेज NOC लेना पड़ेगा, जो कि आपको नीति आयोग को सबमिट करना पड़ेगा काम करने से पहले। आपके पास अपना लैपटॉप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करते, बट हाँ ये आपको इंटरनेट एक्सेस अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। तो बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आप महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अप्लाई कर सकते हो। आपको नीति आयोग की वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है, वो आपको दूसरी वेबसाइट पर लेके जाएगा। यहाँ पे और गाइडलाइंस वैसे मैंने आपको सब बताई दिया मोस्टली, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो प्लीज एक बार फिर से पढ़ लेना। आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। तो मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, ये बहुत ही कंपेटिटिव इंटर्नशिप है। यहाँ पे सिर्फ 78 सीट्स हर महीने खुलती हैं, तो उसका थोड़ा आप दिमाग में रखना कि अगर आपको नहीं मिलती तो डीमोटिवेट मत होना, आप और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इंटर्नशिप पे कैसे अप्लाई करना उसमें मैं फ्यूचर पे वीडियो जरूर लेके आऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे इंटर्नशिप मैनेजमेंट सिस्टम नीति आयोग का यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन, डिजायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप, किस महीने आप इंटर्नशिप करनी है। आप आज से अगले 6 महीने तक की ही डेट्स दे सकते हो कि मेरे को उस मंथ पे इंटर्नशिप करनी है। आपकी एरिया कौन सी इंटरेस्ट की, मैं होता तो मैं मास कम्युनिकेशन सोशल मीडिया लेता।
प्लेस ऑफ सबमिशन, मैं मुंबई में हूं तो मुंबई डेट, और यहाँ पे प्रीव्यू में जाके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप सारे लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। और चलते हैं वापस अपने इनिशियल सेटअप पे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस पर मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।